और क्या आपके बात तो के चक्कर में दूध उफड़ाया हमारा तो कपड़े को बार बार मत देख रहा तो तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई नोदर ब्लॉग। होप करती हूँ कि गाइज आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बहुत बेकार हो रही हूँ। अभी तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है ना, मैं अच्छी नहीं हूँ। कल तो बहुत इतना बुरा लग रहा था ना कि क्या होगा कैसे। भाई बुखार तो एक इतनी बड़ी चीज है ना कि बस आदमी को खत्म ही कर देता है, इतना भयंकर वाला बुखार। साथ में डुग्गू को भी बुखार आ रहा, और रात में भी डुग्गू को इतना तेज बुखार आया। फिर मैं उठी, उसको पानी पिलाया, दवाई दिए, और फिर सब दब से वो सो रही है, तो वो दिख रही है आपको। और परसों विष्णु को बुखार आया था। विष्णु तूने मेरे को तूने लगाया बुखार? मैं नहीं लगाया, मतलब मेरे को बुखार आया ना, मैंने बोला मेरे लिए गोली लिया ना, कपड़े लेके आ गए अपने अपने, लेकिन तुम लोगों ने इग्नोर किया मेरे को। तो ले भगवान तुरंत रिजल्ट, मिनट को कल बुखार आया तो टेबलेट यूं आ रही है खची हुई। मारा बुखार तो बिल्कुल कम लिया नहीं। विष्णु बाबू ऐसी कोई बात कौन, मत मतलब भूल ही गई थी खुद में, अब फील ही हो ना मुस्काई मिली थी। मत मार बेबी, कौन जाती ले वही सुख पापा ही भागे ध्यान जो नहीं। सुख पापा ने मतलब बेड पर सुनो उतरियो को जाने तो तू खतरनाक पेड़ ई सुख पापा ने मारो तो ध्यान भी सुनो को बना तो कोई दिक्कत कौन है ना। मिंटू को बना तो दिक्कत ही दिक्कत। रात ने बोले कि मुझे मन कायम पूछ रहे, अगर थोड़ा सा बुखार ठीक हो गया सुबह ईशु का लंच बना सकती है बता। फिर मैं सवारे ठीक हूँ, मैं खुद ही उठ बना दी, कोई बात ना मैं ही बना दी। देख लिया आदमी ना कोई कोई को कौन वाया है, देख बस कहीं हो। तो गाइज अभी मैंने चाय पी ली, चाय तो ईशु के पापा ने बनाई। ईशु का पापा को ही लगाओ, मुझे बुखार हुआ। ईशु के पापा ना खाना नहीं दे रहे, चाय नहीं बना रहे, खाना मतलब लेट दिया 10 बजे तक, 9:30 तक। उससे पहले बता क्या लेने भग रहे मिंटू, तुझे बुखार आता चलो मैं फ्रूट लेके आता हूँ। एप्पल लिया है, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल है, सब्जियाँ मतलब, और फिर वगैरह मैं इतनी चीजें लेके आया, उससे मेरा बुखार ठीक होता। खाने में तो सही है ना, तो खाने की बात थोड़ी होती है, बुखार है, एक बार दवाई दो कुछ खिला पिला वहां के बाद में सब। विष्णु का ही कह रहे मतलब तेरे लिए एप्पल लेने गया था कि भाई अभी थोड़ा एनर्जी मिलेगी, बुखार मेरे एप्पल से थोड़ी जाएगा। कोई बात नहीं है, पर बहुत हेल्प करी शोक पापा ने, मैं मालिश करी ना तब जाके थोड़ा सा ऐसा लगा। पैरों में जब तेल लगाया ना तो मुझे काफी रिलीफ मिला, और आराम भी मिला, बुखार में भी आराम मिला। और एक बार फिर अब करूंगी मैं तेल की मालिश, तो फिर शायद हो सके मैं ठीक ही हो जाऊंगी। पर डुगू बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, ये बहुत घायल हो रही है, पता नहीं इसको क्यों हो गया। हम तो बड़े तो सहन कर लेते, बच्चों को तो बहुत दिक्कत हो जाती है गाइस। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। शोक पापा ने मशीन तो लगा दी, अब एक कपड़े धो देंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही गाइस, इतनी बेकार हो रहा है ना बारिश, तो कपड़े भी नहीं सूखने देती। मिंटू लकड़ी गोली ले, डुगू खड़े जाओ बेटा, अभी आपको अभी दवाई देता हूँ ना। गाइस डुगू की तबीयत भी खराब हो गई, दोनों माँ बेटी की तबीयत खराब है। ले पानी ले, ये लो दवाई ले। मम्मी का झूठा नहीं पीना बेटा, मम्मी को पता नहीं कोई सा कोई दूसरा बुखार हो, है ना। बुखार आपकी तबीयत ठीक है बेटा? नहीं अब फिर चढ़ रहा है इसका, चल मैं इसको दवाई देता हूँ। ये कुछ खा रहा है रात में? एप्पल एप्पल अनार ना खाएगी। तो गाइस शाम के 5:30 का टाइम हो गया, और तबीयत में बिल्कुल भी आराम नहीं है, दवाई भी लेके आ गई हूँ। ये लगा लो ना, खत्म हो गया शरीर, ऐसा सोच रही हूँ मैं तो। मैं तो यूँ सोच रही हूँ बार बार मैं ठीक आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो ईशु के पापा अभी चाय बना के लेके आए, ये हमारी चाय रही। इधर विष्णु बैठा हुआ है बाहर, है ना। ईशु के पापा बार बार बोल रहे छत पे चले, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, सर्दी लग रही है इतना, ऐसा लग रहा है सोलो उठ के बैठ जाऊँ। गाइस आप लोग है ना मुझे मैसेज छोड़ना, आज मेरे पास 2-3 जोड़ों का फोन भी आया है, उन्होंने बोला कि तू हमेशा बीमार रहती है क्या, और आप भी छोड़ोगे मुझे पता है, कोई ना कोई कमेंट करेगा भाई आप तो दीदी अबकी बार तो ये महीना में तो मुझे बहुत 3-4 बार बीमार हो गई मैं। तो गाइस आपको मैं बताऊँ, वृंदावन गए हम, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हुए बाबा के, बहुत ही अच्छे से सब कुछ अच्छा हुआ। और देखो सुबह ना मेरे पापा बात कर रहे मेरे से, तो हमें ऐसे लग रहा था ना कि मेरे पापा तो वहाँ से गांव से पैदल चल के आए, तो भाई हम तो जल्दी जल्दी दे लेंगे परिक्रमा, पापा पीछे रह जाएंगे, ऐसा वाला सबके दिमाग में था ये सीन। लेकिन मेरे पापा तो सबसे आगे रहे, उन्होंने ऐसी फटाफट, और मेरे पापा क्या बोल रहे थे वहाँ पे, बोल रहे थे ना ये बात कि मैं तो कब कोई देर चल जाता था कि वजह से मैं लेट हो रही हूँ परिक्रमा में। और आज सुबह फोन करे ना तो यूँ कह रहे, देख ले तू दिल्ली में रहे ना, ये डोलवा को यह फर्क पड़े बेटा, तू डोलती फिरती रहती तो तेरे साथ या नहीं हो, तो आज की बुखार नहीं आता है।
और मैं खूब इतना डोलता हूँ फिरता, और हमारे घर में से कल ही फिर गई थी दोबारा गिरिराज जी की यात्रा, तो मेरे पापा पहुंचे नहीं थे, उससे पहले वो यात्रा चले गई। तो मेरे पापा बोल रहे थे अगर ये जो यात्रा गई थी ना ये दो दिन बाद में जाते ना तो मैं तो फिर चले जाता। मतलब देखो ना कि गाँव के लोग कितने स्ट्रांग रहते हैं, मेरे पापा तो कितनी एज में हो रहे हैं और फिर भी इतने स्ट्रांग है, इतने मजबूत है गाँव। उन्होंने अब तो गए जो ना मेरे पापा ने इतने अच्छे अच्छे काम करे ना, सारी दुनिया ही देख ली, अब तो पूरे सातों धाम की यात्रा कर ली, और शायद नौवीं पद यात्रा थी उनकी वृंदावन की वो भी कर ली, और मतलब बहुत सारी चीजें, एक भी मंदिर नहीं छोड़ा होगा दुनिया का कहीं भी। अब मेरे पापा का सिर्फ एक मंदिर रहा है वैष्णो माता, वो नहीं गई, तो वो भी जाएंगे पापा, कभी चले जाएंगे जब उनका मन करेगा ना तो वहाँ भी चले जाएंगे। लेकिन मेरे पापा थे बोले तुम खे ना या खाओ वो खाओ, इन खाने से कुछ भी नहीं होता बेटा, डोल बकर थोड़ी सी, वही बात ईशु के पापा बता रहे। बार बार जब मैं परिक्रमा दे रही थी ना, इनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, चलती नहीं है तू, चलती फिरती नहीं है। घर में पड़े रहते सारे दिन। मेरा काम कौन करता है? काम करते हैं, दुनिया काम करती है, लेकिन घूमते जाती है आधे घंटे। कोई नहीं जावे दिल्ली की, सब औरतें मोटी बसंडा पड़ी है। नहीं काम में वो पड़ी है, वो सब तो आप पे ऐसी हैं। मैं देख रहा था कुछ कुछ औरतें मोटी थी ना जो परिक्रमा दे रही थी, वो ऐसे 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 मटक मटक के चल रही थी ना, इसको मुझे वो ही बता रहे थे कि देख देख इससे काई बन रही है, अभी इतना शरीर ना फैलाती तो आज इस या नहीं, ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन मैंने भी इस बंदे को ये बोला कि खास ये पेट आज अंदर होता। यार मैं बेशक मेरा पेट है, हेल्थ है मेरी, लेकिन मेरे अंदर फुर्ती उतनी है। ये बात तो मान गई। हाँ मान गई ना, तुम सबको बुखार आएगा, मुझे नहीं आया ना। विष्णु को भी नहीं आया बुखार, मेरे को यहाँ आया था उसके बाद भी आपके साथ चला है ब्रो। बल्कि स्ट्रॉन्ग तो विष्णु भी है। गाइस मैं बता दूं, केदारनाथ आप जानते हो कि केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी थी मैंने 25 किलोमीटर, और मैंने मतलब 4 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी शाम को 4 बजे, ठीक है, बारिश आ रही तगड़ी वाली, 12 बजे हम ऊपर पहुंच गए ठेठ मंदिर पे, फिर रात को वहां सोए, फिर वहां से हम 11 बजे उतरना स्टार्ट किया 12 बजे लगभग, और अभी हम फिर हम पहुंच गए थे 4 बजे नीचे। पर 100 बातों की एक बात है, प्रकाश को चढ़ रहा है बुखार गाँव में, इतना तेज वाला बुखार चढ़ रहा है गाइज। मेरा भाई है ना मेरे से छोटा, विष्णु से बड़ा जो प्रकाश है बीच वाला, उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा। मेरे पापा ये बोल रहे थे कि उसने आधी रोटी भी नहीं खाई आज, लेकिन वो बंदा अपनी हार नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा, वो ये कह रहा है कि मैं परिक्रमा से बुखार नहीं आया, मुझे थकान से बुखार नहीं आया, बुखार इसने देके भेजा है, बार बुखार है ना मौसमी, इसने देके भेजा, तेरा ही नाम ले रहा बार बार, विष्णु ने दिया बुखार मुझे बुखार आता ही नहीं ऐसे, तो मतलब बार बार वो सोच रहा है कहीं लोग मेरी हंसी तो नहीं उड़ा दे भाई, परिक्रमा में बुखार आ गया तो नहीं। विष्णु को आया था दिल्ली में बुखार, वो वायरल लीक आया था कहीं से, फिर उसने मुझे भी कर दिया, मिंटू को भी हो गया, ये बात हो सकती है। अभी डुगू को क्यों आया? तो गाइस डुगू का फीवर पता नहीं रुक ही नहीं रहा, बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है चढ़ रहा है उतर रहा है। ये देखो डुगू, कहाँ दर्द हो रहा है बाबू? सर में दर्द हो रहा है या इस यार आंखों में दर्द बता रही है, आंख जब ही नहीं खोल रही है, खोल ही नहीं रही आंख। डुगू आंख में दर्द हो रहा है, अभी पापा डॉक्टर के पास ले जाने, ठीक है बाय बेटा। डॉक्टर अंकल को बोलना कि आईज में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, ओके। तो गाइस देखो मिंटू की तबीयत खराब हो गई और ये बैठ गई स्टीम लेने के लिए, देखो गाइस अंदर से ये स्टीम ले रही है, इसके पसीने पसीने हो रही है, नाक रेट ली गाइस, ये है ना खुद सुबह से यहाँ इस पूरी फर्श पे नाक टपका रही थी, अगर हमारे ऐसा कुछ हो जाए ना तो पूरा जो कहते ना घर सर पे उठा लेगी, और हमें मतलब क्या कहते हैं ना क्या बोलते हैं लगाया था ना उसमें 4 टपके टपके थे, पक्का टपके होंगे हम कुछ भी कर देते हैं तो इतना चिल्लाती है, तो सबर तो है ही नहीं आपके बिल्कुल भी, इतना सा सबर नहीं है गाइस, हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं ना तो पुकारने लग जाती है ये नहीं किया वो नहीं किया, अरे हो जाएगा यार हमें कुछ ट्रेन छूट रही है, मुझे कौन सा ड्यूटी जाना है, सोना नहीं है टाइम से मुझे, तो सो जाना क्या तुझे, आप सो जाओ हम तो नहीं सो रहे ना, सर्दी लग रही है तो स्टीम लो गरम गरम हो जाओगे, ये बस ये पहुँच भी नहीं पा रही, थोड़ा सा कुछ इनकी बात से नहीं सुनी ना तो उसी में इतना चिल्लाने लग जाएंगे, आपने तो एक बार भी नहीं सुनी, क्या नहीं सुना, सब कुछ सुनता आ रहा हूँ मैं, जब भी बोलूँ मैं सब कर दूंगा तू सो जा, मैं सब कर दूंगा तो सब कुछ कर रहा था, आपकी तरह थोड़ी है कि नहीं, ये असली सर सुगाते हो आप तो, सब टाइम से होता है, अरे मैं टाइम से कर तो रहा हूँ यार,
हमें क्या करना है, इसी घर में रहना है, कहीं नहीं जाना, ड्यूटी थोड़ी जाना है मुझे। सुबह तो उसकी नींद, ईशु को तो टाइम से खाना खिलाना, तो ईशु को टाइम से छोड़ के आ गए ना। बनाती, आटा नहीं लगाती अभी मैं, तू कर ले, कर रहे थे ना, आपको तो नहीं अभी करना है। ब्लॉग में मेरी भाई मेरी बात बोलेगी झूठी, मिंटू की आज इन्होंने खाना बनाया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, मैंने बनाया। हां तो बनाना हमको जो थोड़ा जाए। तो मैं डुगू को दिखाया डॉक्टर के नहीं लेके गया था क्या? हैं तो गया था, हम दोनों गए थे ना, तो घर पे कौन था? आप थे अकेले। अब पीछे से आप करोगे तो हम क्या करें? अब आप रहने थे, हम अपना आप आके करते थे। अब उसके बाद में फिर आप इतना, एक बार मेरी पगतलियों में अच्छे से तेल लगा कर ऐसे 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 हो जाए। गाइस जब कह रही हूं मालिश तो करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर लड़ती रहेगी मेरे से, पता है इतना लड़ती है मेरे से, बहुत ज्यादा क्या करें बोल। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी तबीयत खराब है तब तक सुन रहा हूं, और जिस दिन ठीक हो जाएगी ना उस दिन सुनना बेकार, एडमिट हो जाओ। चलो भगवान का सुन, नहीं हो रही, मेरी हालत खराब है, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं ठीक हो रही हूँ। मेरी बॉडी दे मेरा पता नहीं है कितना जल गई आज मुझे कुकर से। कैसे जली है? कुकर टच हो गया है, दूबो की खिचड़ी बनाए थे ना। चलो स्टीम ले लो, ठीक है, दूध गर्म हो गया, मैं दूध लेके आता हूँ। बढ़िया, अच्छी बात है, जल्दी रहो। चलो कोई नहीं, आप स्टीम लो, मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ, ठीक है? मेरे लिए बस आधा सा गिलास। ओके ठीक है। गाइस उसकी बातों के चक्कर में हमारा दूध उफन गया, अब पुकारेगी और क्या? आपके बातों के चक्कर में दूध उफना है हमारा, तो कपड़े को बार बार धो के तीन चार बार में साफ करना है। ठीक है कर दूंगा, आप रहो। बूंद भी नहीं मिलना चाहिए, फिर गुस्सा आएगा नहीं दोबारा। और आप कर ही क्या सकते हो गुस्से के अलावा? मैं कर दूंगा, आपके आपने बातों में लगाया तो अभी तो दूध उफन गया। ये कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, इन बातें मिलते हैं, दूध दूध साफ करते हैं, अभी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसकी तबीयत खराब हो रही है, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। तो गाइस मिंटू की स्टीम पूरी हो गई है, अब देखते हैं अंदर क्या हालत हो रही है इसकी। ये हो रही है, अरे वाह, ये देखो स्टीम के फायदे, पूरा पसीने में नहा लिया एकदम। ये गाइस है ना, मैं आप सोचो कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सबको सजेस्ट कर रही हूँ, किसी को भी खांसी जुखाम बुखार ये सब होता है ना, तो दवाई लो, मेडिसिन तो खाओ, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो स्टीम है ना, ये देखो ज्यादा छोटी सी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, और 250-300 रुपए की होगी ना, ये 250 रुपए की आती है, और कम से कम ना इसका मेरे को 3 साल हो गए लिए हुए। वैसे तो मैंने बहुत खराब करी है, पर 250 रुपए बहुत, एक होता ना कि भाई इतना हम डॉक्टरों को दे देते हैं, फीस के पैसे लेते हैं 250-250 रुपए तो डॉक्टर। इसका इतना मेरा नाक बिल्कुल बंद था, लेकिन अब आराम मिला मुझे, और अब आराम से सो पाऊंगी मैं इससे। और कहते हैं ना स्टीम लेने से चेहरे पे ग्लो भी आता है, तो दोनों काम हो जाते हैं, और स्टीम बहुत ज़रूरी है जिसको खांसी जुकाम, और ख़ासतौर से जिनके घर में बच्चे हैं ना, तो उनको तो ज़रूरी देनी चाहिए। डुगू का फीवर भी हम आ रहा ना, तो उसको भी दिए हमने वहाँ, और मैंने भी लिए, तो मैं बहुत जल्दी ठीक होके आऊँगी आपके सामने, क्योंकि मैं स्टीम भी ले रही हूँ बार बार, दवाई भी खा रही हूँ, और आप लोग दुआ करना मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो गाइज हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं कितना आराम मिलता है मुझे इस तबीयत से, बाहर आ जाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग तक। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के, मेरी तरफ से आपको गुड नाइट। और देखो टाइम मैं आपको बता ही देती हूँ, ईशा सो गई मेरी, 11:57 हो गई, 12 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट घट रही है, तो हम लोग भी सोते हैं, आप भी सो, और अभी दवाई खानी है थोड़ी सी, 1-2 दवाई है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, गुड नाइट।